मेरा नाम शाहिन सुल्ताना, हिंदी अध्यापक, JPSS पांडरंगापुरम, खम्मम अर्बन, खम्मम जिला से। सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि आप सब सकुशल और स्वस्थ अपने घर पर हैं। आजकल हम आमने सामने तो अपनी मुलाकात नहीं हो पा रही है और नहीं भी हो सकती, इसलिए हम ऑनलाइन के द्वारा मुलाकात करते हुए अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं पिछले 3 महीनों से। इसके अंतर्गत उसी प्रकार आज मैं नवीं कक्षा के छात्रों को सुनीता विलियम्स 11वां पाठ पढ़ाने के लिए आपके सामने आमंत्रित हूँ। तो बच्चों, आज का पाठ का नाम सुनीता विलियम्स, पेज नंबर पृष्ठ यानी पृष्ठ की संख्या 55 निकालकर आप ध्यान से देखिए और सुनिए, पाठ को समझिए। तो सुनीता विलियम्स पाठ का नाम सुनते ही आपको एक विषय जरूर याद आना चाहिए, आता ही होगा, क्योंकि उनका नाम सुनते ही हम अंतरिक्ष यात्री के यात्रा से जुड़े हुए व्यक्तियों की जान पहचान होती है, क्योंकि वहाँ महिला भी उसी की संबंधित है। इसके अंतर्गत इस पाठ में यहाँ पेज नंबर 55 में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के बाद यहाँ लिखा गया है कि यह रॉकेट ही नहीं, मानव प्रयासों का साकार रूप भी है, जिसके निर्माण में कई वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमताएं छिपी है। यहाँ रॉकेट ही नहीं, मतलब यहाँ सिर्फ एक रॉकेट यानी एक वस्तु ही नहीं, इसमें अनेक वैज्ञानिकों की क्षमताएं छिपी हुई हैं। यहाँ चित्र इस तरह बता रहा है। इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको पूछूंगी, आप ध्यान से प्रश्नों को सुनकर अपना अपना उत्तर अपनी समझ के अनुसार, स्तर के अनुसार दीजिए। तो पहला प्रश्न, पहले आप सब चित्र को ध्यान से देखिए, आप सब चित्र को ध्यान से देखा होगा, तो पहला प्रश्न सुनिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कहिए बच्चों, सही कहा, यहाँ अंतरिक्ष केंद्र का चित्र है। इस चित्र में रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाने की तैयारी में है और अंतरिक्ष की ओर पहुँचने के लिए तैयारी में रहते हुए जारी है। यहाँ ये पहला प्रश्न का उत्तर आप सब ने सही बताया, बहुत अच्छा, शाबाश। और दूसरा प्रश्न, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? अंतरिक्ष किसे कहते हैं, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? अंतरिक्ष का अर्थ आप तो जानते ही होंगे, अपने अपने सोच के अनुसार बताइए। सही कहा, कुछ ने बताया सौरमंडल, कुछ ने बताया धरती के उस पार यानी आकाश के ओर, आकाश के धरती के बीच का स्थान, आप सबने सही बताया, अच्छा, शाबाश। और तीसरा प्रश्न, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र को देखते ही आपकी क्या संदेश मिलता है, यानी आप क्या सोचते हैं, बताइए। अच्छा बताया है आपने, रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान भरने की सपना साकार हुआ। रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान यानी हम पक्षी की तरह हम भी अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं। पक्षी तो पंखों की सहायता से उड़ती है, लेकिन अपने पास पंख नहीं है, इसलिए हम हवाई जहाज़ों के द्वारा उड़ सकते हैं और रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं। हो सकता है भविष्य में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते यानी आने जाने की भी संभावना हो सकती है। भविष्य के जो आने वाले आपकी पीढ़ी लोग
अंतरिक्ष, हाँ मैं अभी जाकर आता हूँ अंतरिक्ष में 2 घंटों के लिए, इस तरह भी होने की संभावना है, आशा रखिए। तो इसी प्रकार अंतरिक्ष के बारे में तो आप पिछली कक्षा 8वीं धरती के सवाल के बारे में इस पाठ में तो आपको कुछ ना कुछ परिचय है, उसके परिचय को याद में लाते हुए हम आज इस अंतरिक्ष के संबंधित पाठ में आगे बढ़ेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य यह है कि एक साक्षात्कार पाठ है, इसे ध्यान देना जरूरी है, साक्षात्कार। आप सब में तो कुछ लोगों को साक्षात्कार इस शब्द पहले सुना है या नहीं पता तो नहीं, लेकिन आप जरूर सुनिए। साक्षात्कार का अर्थ है आमने सामने, मुखामुखी, जैसा तेलुगु में कहते हैं, और अंग्रेजी में तो इंटरव्यू कहते हैं। जिस तरह आप पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, कई किताबों में, इस तरह अब 9वीं कक्षा के पाठ में भी देख रहे हैं, किसी एक नायक या अभिनेता या अच्छे कलाकार, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या खिलाड़ी, किसी भी एक विशेष व्यक्ति को जानकारी करने के लिए जो पूछताछ के रूप में प्रश्न पूछते हैं, उनसे अपन उत्तर निकालते हैं, उसका चरित्र जानते हैं, जो व्यक्ति को अपन पूछना चाहते हैं उन व्यक्ति का चरित्र जानते हैं, उस पद्धति को साक्षात्कार कहते हैं। तो अब तक 10 पाठों में आप कहानी पाठ पढ़ा है, कविता पाठ पढ़ा है, निबंध पढ़ा है, संवाद भी देखा है, पिछले कक्षाओं में ये सब तरह के हुए हैं। उसी तरह अब एक नया तरीके का पाठ, एक विधि, साक्षात्कार विधि को किस तरह साक्षात्कार कर सकते हैं, इस पाठ के द्वारा जा सकते हैं, उसी के अंतर्गत साक्षात्कार के द्वारा यह पाठ में हम सुनीता विलियम्स के पूरा चरित्र, वे कैसे, कहाँ, क्यों करना पड़ा, उन एक महत्वपूर्ण महिला कैसे बन सकी, एक महिला के लिए तो महिलाओं के लिए गर्व की बात भी है, दुनिया भर में एक महिला के रूप में भारत का नाम रोशन भी किया है, उनके बारे में आज हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पेज पढ़ाइए और देखिए कि सुनीता विलियम्स के बारे में यहाँ क्या दिया गया है। तो सुनीता का जन्म तो सितंबर 19, 1965 में हुआ है, और वो क्या करी है, कैसे करी है, उसके बारे में जानते हुए मैं पाठ को पढ़ती हूँ। आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक ध्यान से देखिए और सुनिए। सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबा समय बिताने, यानी 195 डेज बिताने व अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में ऐसे कई परीक्षण भी किए जो भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यहाँ प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी की तरह कम नहीं, वे बड़े से बड़े लक्ष्य को साकार करने का साहसी रखती हैं। आइए सुनीता विलियम्स से ही पूछते हैं कि उन्होंने ये कारनामे कैसे कर दिखाए हैं। तो सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा तो जानकारी हुई ना, उनका जन्म कब हुआ, जन्म सितंबर 19 और 1965 में, यहाँ तो जन्म के बारे में इसमें दिया नहीं गया, फिर भी आपको जानकारी के लिए मैंने बताया। तो सुनीता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर कदम रखने वाली पहली महिला है, वह भारत की है। सुनीता ने किसी भी महिला द्वारा अब तक कोई भी अंतरिक्ष में इतने दिन नहीं बिताए जितने 195 डेज, अंग्रेजी में 195
दिन को उन्होंने अंतरिक्ष में बिताकर भारत का रिकॉर्ड एक स्थान बनाया है। तो उसमें साथ साथ अंतरिक्ष में प्रयोगशाला ऐसी परीक्षण भी किए जो भावी मतलब आप भी भविष्य में अंतरिक्ष में यात्रा करने की अगर कोई मौका मिलेगा या होने की संभावना है तो इनकी किए गए कारनामों के द्वारा आप भी उस केंद्र में जा सकते हैं। इस तरह के परीक्षण उन्होंने किए। तो सुनीता ने इस साहसी अभियान में रुचि दिखाकर यहाँ प्रमाणित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों के किसी भी तरह की कम नहीं, महिलाएं कम नहीं है। जिस तरह आप बेटी के नाम पत्र पाठ में पढ़ा है, इंदिरा गांधी पाठ में आपने क्या पढ़ा है, आवश्यकता आने पर नारी क्या भी बन सकती है, किसी भी ओर चले जा सकती है एक अच्छे कार्य को करने के दौर पर। आवश्यकता आने पर अबला ही नहीं सबला ही बन सकती है, जिस तरह महारानी लक्ष्मीबाई और जिस तरह इंदिरा गांधी वो लोग उस तरह अपना महत्वपूर्ण कार्य किए। अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम्स में एक महिला होकर इस तरह का कार्य परीक्षण करके निभाया है। तो आप लोग सब पाठ सुनते हुए अपने अपने पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्दों का रेखांकित कीजिए। परीक्षण का अर्थ किसी जानते हैं कोई? परीक्षण यानी प्रयोग। हर नई खोज के पीछे एक परीक्षण होता है, इसका अर्थ है प्रयोग। सही कहा है आपने, हर नई काम के पीछे कई परीक्षण होते हैं। सही कठिन शब्द बताया है आपने, बहुत अच्छा। साहसी साहसी का अर्थ तो बहुत लोग जानते होंगे, हर महिला साहसी बनना चाहिए, हर महिला साहसी बनना चाहिए। चाहे तो बन सकती भी है, इसका अर्थ यह होता है हर महिला साहसी बनना चाहिए, यानी काम करते समय आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ कठिन शब्द बता सकते हो, आपके समझ में ना रहे, समझ में ना आने वाले कठिन शब्द बता सकते हो? अच्छा ठीक है, इसमें एक पुनरुक्ति शब्द भी आया है, साथ साथ। उसी तरह एक वचन महिला, एक वचन बहुवचन महिला महिलाएं, और एक अर्थ कठिन शब्द का कार नामा, ये सब लिख लिया ना आप, कार नामा। कारनामा का अर्थ बताइए, कारनामा का अर्थ किसी एक महत्वपूर्ण कार्य करना। हर आदमी कभी ना कभी अपने
जिंदगी में एक कारनामा का प्रयोग या कारनामा करना जरूरी है। इसका अर्थ यह होता है महत्वपूर्ण कार्य या अद्भुत कार्य, हर व्यक्ति अपने जीवन में आवश्यकता के अनुसार एक महत्वपूर्ण कार्य करना जरूरी है। कारनामा जरूरी है। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम साक्षात्कार में प्रवेश करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी के लिए। तो यहाँ एक प्रश्न और एक उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनिए। दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री हैं। यहाँ कौन सी चीज थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की? यहाँ प्रश्न पूछा गया सुनीता विलियम्स से। क्या पूछा गया? दुनिया में लाखों पायलट हैं। पायलट का मतलब आप जानते हैं ना, हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में जिस तरह रेल में बस में ड्राइवर होते हैं, उसी तरह पायलट होते हैं हवाई जहाज में, नावी में, और जिस तरह उड़ान के लिए रॉकेट में। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में लाखों पायलट और वैज्ञानिक हैं, किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से। तो सुनीता विलियम्स एक भारतीय महिला है, लेकिन उनके पिता ने पालन पोषण के लिए वहाँ नौकरी करते हुए अमेरिका में स्थिर एक भारत का परिवार है। तो उन्हें यहाँ प्रश्न पूछा गया कि किंतु अमेरिका में बड़ी मुश्किल से 100 अंतरिक्ष यात्री हैं, वहाँ कौन सी चीज थी जिसने आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की? हर काम के पीछे एक प्रेरणा होती है। हर आदमी भी कुछ ना कुछ नया काम सीखता है अपने दिन ब दिन गुजरते हुए काल के अनुसार। तो एक एक ये व्यक्ति को एक एक काम या और एक व्यक्ति का काम प्रेरित करता है। उसी तरह सुनीता विलियम्स को भी पूछा गया कि आपको अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित की, कदम रखने के लिए प्रेरित किस तरह प्रेरणा मिली? तो सुनीता विलियम्स ने बताया कि ध्यान से सुनिए, बढ़िया प्रश्न है। जब मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए चलते हुए देखा था। मैं इस दृश्य से बहुत प्रेरित हुई और मैंने उसी दिन यह बात ठान ली कि मुझे अंतरिक्ष यात्री बनना है। किंतु यह इतना आसान काम नहीं था। मैरीलैंड स्थित टेस्ट पायलट स्कूल जाने तक अंतरिक्ष यात्री बनने का मेरा यह सपना सपना ही रहा। मैंने जहाज और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया। इसी दौरान मैं एक दिन जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र पहुंची। यहीं पर मेरी मुलाकात जॉन एंग से हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान की तुलना की। यह तुलना काफी प्रेरणात्मक थी। मैंने शोध कर यह पता लगाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और अंतरिक्ष की उड़ान के लिए मुझे बुलावा भी मिला। मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ सुनहरा अवसर मिला। तो सुनीता विलियम्स ने उत्तर के रूप में क्या बताया है? जब वे 5 वर्ष की थी, पहले उन्होंने कहा ये बढ़िया प्रश्न है। बढ़िया, बढ़िया शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? आप सब अपने अपने
पाठ्यपुस्तक में रेखांकित कीजिए कि आपको जो कठिन शब्द लगा। बढ़िया प्रश्न, बढ़िया प्रश्न यानी ग्रेट, बढ़िया का मतलब होता है ग्रेट पप्पा। जब मैं 5 वर्ष की थी तब मैंने नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए देखा। जब सुनीता विलियम्स 5 वर्ष की थी तभी उसको प्रेरणा मिली। नील आर्मस्ट्रांग पर चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में चित्र देखकर उसकी जानकारी करते हुए से प्रेरणा मिली। इसी तरह हम भी एक अच्छे लोगों की जानकारी करते हुए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। अब अब्दुल कलाम जी ने भारत के अच्छे वैज्ञानिक हैं और मिसाइल मैन कहे जाते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों सपनों को देखना ही नहीं उसे साकार भी करना है। सपनों को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत करना, आत्मविश्वास के साथ काम करना और आगे बढ़ना, किसी एक महान व्यक्ति की प्रेरणा पाना। उसी तरह सुनीता विलियम्स ने भी इस तरह की प्रेरणा पाई कि भारत के नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग को देखकर 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? पायलट या अंतरिक्ष यात्री बनी रहूं। किंतु यहाँ इतना आसान काम नहीं, काम तो आसान नहीं, फिर भी उन्होंने सपना को साकार किया। पहले सपना को सोचा, देखा, यहाँ कर सकती हूँ या नहीं, इस तरह सोचते हुए उन्होंने जहाज और हेलीकॉप्टर के पायलट के रूप में अपना पेशा आरंभ किया। पहले उन्होंने क्या किया? अपना पेशा जहाज और पायलट के रूप में आरंभ किया। उन दोनों की तुलना को समझा और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए यह एक प्रेरणात्मक चीज उनके लिए बन गई। इस तरह शोध पता लगाकर अंतरिक्ष कार्य के करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके अंतरिक्ष उड़ान में उन्हें बुलावा मिला। मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ सुनहरा अवसर मिला। सुनीता विलियम्स ने अपने आप को गर्व से कहती है कि और मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक महिला होकर भी एक अंतरिक्ष यात्रा करने का मुझे एक सुनहरा अवसर मिला। हाँ बच्चों, आपने कठिन शब्दों को रेखांकित करा होगा। आप सब अपने अपने कठिन शब्दों को बताइए। बच्चों कठिन शब्दों को लिख लीजिए। ठान, मैंने ठान ली कि यहाँ काम करके रहूंगी। हाँ सही कहा, ठान शब्द का अर्थ है दृढ़ निर्णय या निश्चय कर लेना कि हम यहाँ काम जरूर करके ही रहेंगे। इसी तरह एक विलोम शब्द लिख लीजिए, बढ़िया। बढ़िया का शब्द का अर्थ जब से मैंने बताया है गोप्पा तेलुगु, अरे अंग्रेजी में ग्रेट, बढ़िया शब्द का विलोम शब्द घटिया लिख लीजिए। उसी तरह सुनहरा, सुनहरा शब्द का अर्थ बताइए, मैं वाक्य में बताऊंगी, आप अर्थ बताइए। आपको पाठ सुनने का एक अच्छा मौका मिला, मतलब सुनहरा शब्द का अर्थ होता है एक अच्छा मौका। दूसरा शब्द उसके बाद पेशा, पेशा, पेशा का अर्थ क्या हो सकता है? मैं वाक्य में बताऊंगी, आप अर्थ बताइए। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय के किसी न किसी पेशा के द्वारा अपना गुजारा करता है और उसका अर्थ होता है व्यवसाय यानी रोजगारी। अपना रोजगारी के रूप में हर व्यक्ति एक एक काम करता है, वहाँ काम पेशा कहलाया जाता है। उसी तरह एक प्रत्यय को भी अपने अभ्यास पुस्तक में लिख लीजिए, वैज्ञानिक। इस शब्द में प्रत्यय इक। उसी तरह एक वचन लिख लीजिए, महिलाएं। और एक प्रश्न लिख लीजिए, गृह कार्य के रूप में प्रश्न लिख लीजिए
कि इस पाठ सब अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इसको अपने गृहकार्य के रूप में लेकर लाना होगा। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, सुनीता विलियम्स ने इस कैसे साबित किया अपने शब्दों में बताइए। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, इस विषय को सुनीता विलियम्स ने अपने कारनामा, अपने कार्य के द्वारे किस तरह साबित किया है, उस एक 5 वाक्य में अपने शब्दों में लिखकर लाइए। और तीसरा प्रश्न, आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री हैं, जब आप अपने आप को देखती हैं तो आपके जीवन में मैसाचुसेट्स शहर का क्या महत्व है, यहाँ के लोगों ने किस तरह आपकी सहायता की। इस प्रश्न को उत्तर के रूप में सुनीता विलियम्स ने बताया कि हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पालन पोषण बॉस्टन के समीप हुआ, जहाँ तैरने जाती थी वहाँ प्रांत हार्वर्ड में पड़ता था। यह प्रांत क्राइमिट क्षेत्र में है, इसलिए मैंने अपना बहुत सारा समय वहीं बिताया। मेरे पिता डॉक्टर हैं, वे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता है। यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण मेरी रुचि को असली पहचान मिली। यही कारण है कि आज जो मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ, उसमें यहाँ के लोगों की प्रेरणा भी शामिल है। सुनीता विलियम्स ने बचपन में जहाँ बिताया है, उस शहर का नाम मैसाचुसेट्स शहर था। उस शहर के बारे में सुनीता विलियम्स ने अपने किस तरह सहायता मिली है अपने आप को इस प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में बताया कि हाँ, तो जैसा कि मैंने अपने आप को बताया, मेरा पालन पोषण बॉस्टन में हुआ। उनके पिताजी क्या थे? डॉक्टर थे। वे क्या करते थे? बॉस्टन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। यह क्षेत्र शिक्षा का गढ़ माना जाता था। शिक्षा का गढ़ यानी एक मुख्य केंद्र। यहाँ बहुत सारे शिक्षा केंद्र होने के कारण असली पहचान मिली। यही कारण है कि आज जो मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ। सुनीता विलियम्स को इस शहर से बहुत अच्छा संबंध रहा है, इसी के कारण उसको ऐसी प्रेरणा मिली है कि यहाँ के लोग उसमें प्रेरणा में शामिल है, यानी उनके कारनामों में ये एक हिस्सा बन गया है। इसमें कठिन शब्द, रेखांकित कीजिए कठिन शब्द। शामिल, इस कार्य में मेरे साथ आप सब भी शामिल हैं। यस, भाग लेना, सही कहा है, भाग लेना। इसमें एक विलोम शब्द, रुचि, अरुचि। रुचि का अर्थ है उसमें रुचि रखना, यानी श्रद्धा रखना, ध्यान देना, अरुचि उस पर ध्यान ना देना। और कुछ इसके बारे में आपको एनी डाउट्स, कुछ भी संदेह हो तो बताइए।
आप सबने इस पार्ट को बहुत अच्छा समझा होगा। अपना अपना गृह कार्य करके लाइए और दूसरा भाग अगली कक्षा में हम आपको सुनीता विलियम्स की अगली जानकारी जरूर बताएंगे।